अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिस्फेनॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों बिस्फेनॉल जो है एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स का ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे जो है बिस्फेनॉल की कैटेगरीज शामिल है। इसके अंदर बिस्फेनॉल ए होता है, बिस्फेनॉल एपी होता है, बिस्फेनॉल एएफ होता है, बिस्फेनॉल बी होता है, बिस्फेनॉल बीएफ होता है, इसके अलावा बिस्फेनॉल सी होता है, और दोस्तों इसके अलावा बिस्फेनॉल सी2 होता है, और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे जो बिस्फेनॉल की टाइप्स हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो पॉपुलर है बिस्फेनॉल ए है, और दोस्तों जिसे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बीपीए भी बोला जाता है। और दोस्तों बिस्फेनॉल ए का जो केमिकल फॉर्मूला है C15 है, H16 है और 2 है। और दोस्तों इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। और दोस्तों देखने के अंदर फिजिकली तौर पर कलरलेस सॉलिड होता है, और दोस्तों पानी के अंदर बहुत मुश्किल से हल होता है, लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स के अंदर बहुत अच्छे से हल हो जाता है। और दोस्तों इंडस्ट्रियल तौर पर इसे फिनॉल और एसीटोन से बनाया जाता है। और दोस्तों रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बीपीए यानी बिस्फिनॉल ए के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। इसे पीवीसी पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक की बहुत सारी जो है हाउस होल्ड आइटम्स बनाई जाती हैं, जिसके अंदर बेबी बॉटल शामिल है, वाटर बॉटल शामिल है, किचन एसेसरीज शामिल है, फूड कंटेनर शामिल है, और दोस्तों टेबलवेयर शामिल है, और दोस्तों स्टोरेज पॉट्स शामिल है, कंटेनर शामिल है। और दोस्तों हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से और लाइट वेट होने की वजह से, दोस्तों शीशे की तरह के शफाफियत होने की वजह से इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रांसपेरेंट बर्तन भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों बिस्फेनॉल बीपीए के साथ रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स भी बनाई जाती हैं, जूसेस की बॉटल भी बनाई जाती हैं, स्कूल वाटर बॉटल्स भी बनाई जाती हैं। और दोस्तों बिस्फेनॉल ए आपको केमिकल कंपाउंड बनाने वाली शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे बिस्फेनॉल ए के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट, और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों बिस्फेनॉल ग्रुप जो केमिकल कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे नुकसान है। जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर बिस्फेनॉल बीपीए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऐसी खवातीन, और दोस्तों जो प्लास्टिक की बर्तन यूज़ करती हैं, जब बच्चे को प्लास्टिक की बॉटल के अंदर दूध पिलाती हैं, इंतहाई खतरनाक हो सकता है, स्पेशली हमला खवातीन के लिए इंतहाई खतरनाक है इसके अंदर। और दोस्तों इस वजह से हमला खवातीन जब भी हमल के दौरान कोई बर्तन वगैरह यूज़ करना चाह रही हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, दोस्तों वो बिस्फेनॉल से बनी हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज उनके बच्चे के अंदर बहुत सारे नुकायस हो सकते हैं, दोस्तों नए बच्चा पैदा होने के अंदर बहुत सारे नुकायस हो सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं, जो शीरखवार होते हैं, जिसे फीडर के अंदर दूध पिलाया जाता है, उनके बिहेवियर के अंदर भी बहुत फर्क आता है, और दोस्तों उनका बिहेवियर हाइपर हो सकता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ सकता है। दोस्तों इसके अलावा आम लोग जो प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, और दोस्तों इन्हें डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है, दिल के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। दोस्तों बिस्फेनॉल प्रोडक्ट ए के अंदर अगर हम गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें या गर्म खाना इस्तेमाल करें, तो कंटिन्यूसली अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें कैंसर भी हो सकता है। तो इस वजह से बिस्फेनॉल ए से बनी हुई प्रोडक्ट्स को ऑफन यूज करें, कभी कभार यूज करें, बहुत जरूरत हो तो तभी इस्तेमाल करें, अदरवाइज बिस्फेनॉल ए सेहत के हवाले से अच्छा नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिस्फेनॉल ए के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूज़ बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको मजीद कोई सवाल है बिस्फेनॉल ए के बारे में, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस बिस्फेनॉल ए की वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, और दोस्तों किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, और दोस्तों चाहे इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, तो दोस्तों जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। चले दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जोरी अजीम को इजाजत दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।